तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ शिवम सुदामा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं और उसमें जीता हुआ जो अमाउंट होता है इसे आप विड्रॉ कैसे करेंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आप जीता हुआ आपका अमाउंट होगा इसमें से 30% TDS काट लिया जाएगा। अगर आपका 100 रुपया विनिंग है और आप उसे विड्रॉ करने जाएंगे तो आपको 70 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, बाकी 30 रुपीज TDS में कट जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो ड्रीम इलेवन में विड्रॉ करने का जो मिनिमम लिमिट है वो कितना है और मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, यानी मिनिमम आप कितने रुपीज को आप अपने अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे और मैक्सिमम कितना कर पाएंगे, ठीक है। और वेरिफिकेशन के बारे में भी बता दूंगा कि अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया है तो विड्रॉ करने से पहले आपको वेरिफिकेशन का भी थोड़ा सा डिटेल दूंगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ड्रीम इलेवन में आपका जीता हुआ पैसा जो होता है इसे आप विड्रॉ कैसे करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो देखिए, आपको जीता हुआ जो पैसा है अपने अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पे माई बैलेंस का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे एडेड अमाउंट होगा, यहाँ ऊपर टोटल अमाउंट दिखा रहा होगा और एड कैश का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपको पेमेंट एड करना है कुछ खेलने के लिए तो आप एड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका विनिंग शो कर रहा होगा, यहाँ पे आपका जो कैश बोनस होगा वो शो कर रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है विड्रॉ इंस्टेंटली। हो सकता है कि आप में विड्रॉ इंस्टेंटली का ना ऑप्शन आ रहा हो, आप में वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा हो, ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा विड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वेरिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है और मिनिमम मैक्सिमम वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो विड्रॉ इंस्टेंटली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट पहले से लिंक है और यहीं पे दिखा रहा है कि आप मिनिमम 50 रुपीज सेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 करोड़ पर डे। एक डे का लिमिट है, नेक्स्ट डे आप अलग तरीके से आप पेमेंट फिर से ट्रांसफर कर सकेंगे, ठीक है। तो आप कोई अमाउंट मान लीजिए एंटर करते हैं, आप मान लीजिए आपने 1K किया, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट टैक्सेस यानी TDS हमारा 300 रुपीज कट हो रहा है, 700 रुपीज ही हमारे अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो आपका जो विनिंग अमाउंट होगा उसमें से आपका 30% TDS कट कर लिया जाएगा। और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। लेकिन मैं विड्रॉ करने से पहले मैं आपको वेरिफिकेशन का जो डिटेल होता है ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपका मान लीजिए न्यू अकाउंट है, आपने अभी तक वेरीफाई नहीं किया होगा, विड्रॉ करने जा रहे होंगे तो आपको ये शो कर रहा होगा वेरीफाई टू विड्रॉ। आपको विड्रॉ करना है तो पहले वेरीफाई करिए, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड आ रहा होगा, यानी कि आपका मोबाइल नंबर पहले से वेरीफाइड आ रहा होगा। हो सकता है कि आपके ईमेल आईडी पे भी, ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे भी पहले से वेरीफाइड आ रहा होगा, और हो सकता है कि आपको यहाँ पे भी वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा होगा। मान लीजिए कि अगर आपका ईमेल पहले से वेरीफाइड नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा होगा ईमेल के सामने, और वहां पे एक OTP जाएगा आपके ईमेल पे, और वो जैसे एंटर करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको पैन कार्ड वेरीफाई करना है, फिर आपको बैंक अकाउंट या UPI में से कोई एक वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पैन कार्ड पे क्लिक करना होगा वेरीफाई के ऑप्शन पे, और जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे यानी वेरीफाई करते जाएंगे वैसे ही वैसे आपका नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होता जाएगा। तो पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है उसे अपलोड करना होगा फोटो क्लिक करके, ठीक है। तो जैसे आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, रीटाइप अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ये सब डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड बैंक प्रूफ करना है, फिर सबमिट कर देना है। मैंने बस आपको समझाने के लिए ये वाला प्रोसेस दिखाया है क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया रखा है जैसे मैंने आपको बताया, आप उसे देखिएगा वेरीफाई के ऊपर, ठीक है। तो ये हम जैसे बैंक डिटेल डालने के बाद हम प्रूफ अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वेरीफाइड 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 लिख के आ जाएगा, यानी कि चारों में वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे विड्रॉ इंस्टेंटली का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और हो सकता है आप में सिर्फ विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा हो, तो इस तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ, आप ट्रांजेक्शन कैसे देख पाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है माई ट्रांजेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट आपने जो खेला होगा, पैसे लगाए होंगे, आपने विनिंग करा होगा, यहाँ पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे अदर ऑप्शन आएगा, यानी कि अगर आपको कोई कैश बोनस वगैरह आ रहा है तो आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ड्रीम इलेवन में अपना जीता हुआ जो अमाउंट है इसे आप विड्रॉ कर पाएंगे। और इसके बाद भी कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा,
और कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।